हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अमित जी हैं हमारे बीच और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। काफी टाइम से, एक अरसे से इंतजार था, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से काफी गैप आ गया, लेकिन आज अमित जी हमारे बीच है तो बड़ा खुशियों भरा माहौल है, क्योंकि एक सेंटर यहाँ मेन ब्रांच दिल्ली में ओपन हुआ है, तो उसी की ओपनिंग की तैयारियां चल रही हैं। सभी एकदम से अपनी मेहनत से दिन रात एक करके जुटे हुए हैं। आप सभी को बधाई। और और सारी टीम में एक साथ हम मिले हैं लोग, जी, अरुण जी, बलवीर सिंगर, अनिल खत्री जी, शेखर, हेमंत भाई जी। उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत जल्द आप सबसे भी मुलाकात करेंगे। जय भीम। जय भीम। गुड मॉर्निंग टीम, ये ड्रीमी का ब्रांच ऑफिस है। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आप हमारे ड्रीमी ऑफिस में आइए। ब्रांच ऑफिस में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, ऑर्डर्स दीजिए, आपको एक क्वेरी है, क्वेरी सॉल्व होगी। एनी टाइम आप आ सकते हैं, एनी टाइम आप फोन कर सकते हैं। प्रोडक्ट को देखिए, सेलेक्ट कीजिए एंड जस्ट स्टार्ट योर बिजनेस। जय भीम। सो मेरा नाम अनिल खत्री है और आज आई थिंक 6-7 महीने बाद पहली बार अमित सर से मिल रहे हैं। पिछले 7 महीने से हम लोग फ़ोन पे, अब तो याद भी नहीं कब कब रात को बात कर रहे हैं, दिन में बात कर रहे हैं, बट आई थिंक आज का जो मौका है, पिछले लॉकडाउन खुलने का 2-3 महीने से तो वेट ही कर रहे थे कि आ जाएंगे, कल आएंगे, आ जाएंगे, कल आएंगे, बट फाइनली वो दिन आज आ ही गया। सो थैंक यू सो मच अमित सर मिलने के लिए, और आपसे मिल के इतना अच्छा लगा, मतलब हम कह नहीं सकते आपसे। चलिए आप लोग से मुलाकात करते हैं हम लोग। जय देवी। जय देवी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल खत्री है और मैं ड्रीमी ड्रॉस्की में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। सो जैसा कि अमित सर ने कल बताया था कि हमारा ऑफिस दिल्ली का ऑफिस ओपन हो रहा है, तो हमारा दिल्ली का ऑफिस खुल चुका है। आप लोगों को कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, तो आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय दिल्ली। सर देखो, मैंने ना लाइफ में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भी करी हैं, बहुत सारे मैं नेटवर्किंग में भी काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया है, और साथ में मैंने जो पढ़ाई करी है वो भी एमबीए नेट मार्केटिंग से करी है। तो मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छे से समझ में आती है, किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी, अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट आपका अवेलेबल है, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट चाहे बहुत अच्छा था ही, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है पहली चीज़, तो बिकेगा नहीं। तो जो अवेलेबल है सबसे पहले तो वही उठेगा। दूसरी चीज, अगर कहीं पे भी हमारा डिसीजन किसी भी चीज़ को खरीदने का होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का, वो डिपेंड करता है पहली चीज़ क्वालिटी। अगर क्वालिटी के साथ अगर ऑफर मिल जाए ना, आप बड़े से बड़े ब्रांड को छोड़ के ऑफर को ले लोगे। तो दोनों तीनों चीज़ें ना मेरे को यहाँ पे दिखी, जिस तरीके से सर ने कल, मेरी सर से कल ही फर्स्ट मुलाकात हुई थी और सर ने बहुत अच्छे से समझाया, मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। सिस्टर मेरी काफ़ी टाइम से सर के साथ जुड़ी हुई है और मैंने ही रिकमेंड करा था, क्योंकि जब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम पे मैंने ही अपनी सिस्टर को बोला था कि भाई ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है और आप इस पे वर्क करो, तो वो काफ़ी टाइम से इस पे प्रोजेक्ट पे वर्क भी कर रही थी। फिर मैंने इस सर का कल प्रोजेक्ट देखा, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ और कंपनियों से जो मेरे को अलग लगी वो ये लगी कि अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ अदर प्रोडक्ट्स, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हमारे पास हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी भी कंपटीशन में अगर आपको किसी को बीट करना है ना, तो आपके पास अगर दोनों चीजें अवेलेबल है, तभी सामने वाले को आप चॉइस दे करके और एक ट्रिक के साथ उसको अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे मेरे को देखने को मिली कि एक ही प्लेटफॉर्म पे काफी सारे प्रोडक्ट एक साथ अवेलेबल है कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने डिसीजन के साथ साथ हमारी मार्केट को आगे बढ़ा सके। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट है। बाकी आप सभी लोगों का धन्यवाद। सब आपका।